चलो एक मुद्रा। क्या करने पहले विपरीत कर रहे अर्धाला संगे। इसके बाद अभी हमारे ये कुछ आसनों को हम देखेंगे और ये सभी जो हमारा या योग अभ्यास यहाँ के जो आसन प्राणायाम बंध मुद्रा वगैरह जो है शुद्धि क्रिया है ये सब इसके दृष्टि रहेगा। कोरोना को हमारे लंग्स की कैपेसिटी और मेंटल टफनेस मानसिक तनाव को कम करने की दृष्टि से ये दोनों उद्देश्य को लेकर हमारा ये अभ्यास चलेगा। अभी योग अभ्यास जो जो प्रक्रिया उसके लिए मदद करती है और हम इसलिए अभी शरीर संचालन वगैरह न की तरफ न जाते हुए कुछ क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है ज़्यादा तो हम चलते हैं अभी कुछ आसनों की तरफ जो टॉप्सिटरी पोजेस है शरीर की उल्टी स्थिति हो करने वाले पोजेस है और मैं इसका ब्लड सर्कुलेशन के बाद में इसने लेने के बाद बताऊँगा। अभी ये अर्धाला आसन लेते हैं। चलिए ये डॉक्टर अपने इंजीनियर नितिन बोबड़े जी है ये भी बड़े योगा एक्सपर्ट्स हैं। ये भी ये पीजी डिप्लोमा योग थेरेपी के स्टूडेंट रह चुके हैं और ये कई देशों में जा गए हैं और कई कॉम्पिटिशन योगासनों के भाग लिया है उन्होंने। मेरे साथ में भी ये तुर्की में थे श्रीलंका में थे अभी 2 साल पहले। तो ये एक विपरीत करणी आसन आता है क्योंकि हमें जाना है सर्वांगासन पर। उसके पहले की ये स्थिति आती है ये भी एक मुद्रा में आता है। एक्चुअली ये सर्वांगासन शीर्षासन विपरीत करनी दे आर कम अंडर द मुद्रा ग्रुप। अब मुद्रा के बारे में हम फिर से यहाँ ज़्यादा सामान्य होने जाएंगे नहीं लेकिन इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द आसन एंड प्राणायाम दैट इज कॉल्ड मुद्रा रफली। तो ये इसमें अभी ये सर्वांगासन लेंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में यहाँ विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि उल्टी स्थिति होती है। हमारी उल्टी स्थिति कभी भी जहाँ तक होती नहीं है। हम 24 घंटे में से जो भी 6-7 घंटे की हमारी नींद की अवस्था रहती है पेट पीठ पर लेटे हुए अवस्था में रहते हैं बाकी बैठे हुए खड़े हुए अवस्था में जहाँ तक हम रहते हैं। अभी यहाँ क्या हुआ ब्लड सर्कुल क्योंकि हमें हमारा टारगेट है लंग्स को शक्ति बढ़ाना लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। अब इसमें आप बोलेंगे इसमें कैसा होता है लंग्स कैपेसिटी कैसी बढ़ती है तो आपको ये ख्याल में आएगा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे शरीर में खून संचालन करने वाली 2 नलिका है रक्तवाहिनी है जिसमें से अशुद्ध खून लेके फेफड़ों तक आता है लेने वाली है वेंस नीला और जो शुद्ध खून है फेफड़े में से शुद्ध होकर जो हार्ट में आता है और बाद में वो शरीर में पहुंचा जाता है वो है रोनी या आर्टरीज। अभी इसमें जो हमेशा 24 घंटे में से 13, 14, 15 घंटे जो भी हो गए वो नीला को या वेंस को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। और अभी इसके उल्टी स्थिति होने की वजह से क्या हुआ अभी आर्टरीज को उस पर तनाव आ गया कि आर्टरीज को काम करना पड़ा वेंस का नीला का इस वजह से उनका बैलेंस बना रहता है टोन बनाया रहता है इसके आर्टरीज का बोलो और वेंस का बोलो। अब इसमें क्या होता है ये इन्होंने ये पोजीशन ली अब इस पोजीशन में देखें इनका चेन लॉक लग गया एक दूसरा यहाँ उनके इधर जो प्रक्रिया हो रही श्वास इसमें छोड़ना लेना क्योंकि जो भी कम श्वास लेते हैं वो फेफड़ों में जाता है वो जो श्वास की जो मात्रा रहती है उसमें जो अगर 100 cc श्वास लेते हैं हम हवा लेते हैं तो उसमें करीबन 16% ऑक्सीजन रहता है 79% नाइट्रोजन रहता है और 1% बाकी गैसेस रहती है इसमें कर्माम्ल वायु भी रहता है CO2। अब जब श्वास छोड़ते हैं तो वो 4% उसमें कम हो जाता है यानी 16% प्रमाण आ जाता है ऑक्सीजन का और कर्बाम्ल वायु उसमें का जो प्रमाण बढ़ता है 4। तो इस तरह से एक गैसेज एक्सचेंज की प्रक्रिया हमारे फेफड़ों में होती है और इस वजह से ये फेफड़ों में होने चाहिए तो फेफड़े जहाँ तक हम जनरली सीटिंग में हो स्टैंडिंग में बैठे हो
तो 25-30% ही हमारे एयर सैक जो हजारों करोड़ों एयर सैक है यानी वायु कोश बोलते फेफड़ों के, तो वो पूरी ओपन होती नहीं। लेकिन इस स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो रही है, अभी 50% तक ये ओपन होती है। और ये जितनी वो ओपन होगी एयर सैक वायु कोश, उतना गैसेज एक्सचेंज की प्रक्रिया होगी, उतना ऑक्सीजनेट ब्लड अच्छा शुद्ध रक्त हमारे शरीर में पहुँचाया जाएगा, और इस वजह से एक हमारी स्वास्थ्य अच्छा बनने रहने के लिए मदद मिलेगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। इस वजह से हम तो पहले बोल रहे हैं कि फेफड़ों पर ही हम ज़्यादा अटैक कर रहे, अटैक नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे। अब यहाँ एक महत्व की बात इनकी हो रही है, एक चिन लॉक, इनकी ठूडी गले को में फिक्स हो गई है, सॉरी केश में फिक्स हो गई है। अब यहाँ आपको चाहे मालूम होगा ये थायराइड नाम की ग्रंथि है। आप हमारे शरीर में ग्रंथि जो 9 सिस्टम से हमारे शरीर में सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी बोनी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें से ये एंडोक्रिनल सिस्टम जो है अंतरस्राव ग्रंथि प्रणाली बोलते हैं, इसमें से जो स्राव निकलते हैं ये स्राव हमारे ब्लड में जाकर ब्लड एक प्यूरिफाइड ब्लड हो जाता है या उसको जनरल फिटनेस के लिए मदद करता है। थायराइड ग्रंथि का यहाँ जो काम हो रहा है, एक थायराइड ग्रंथि क्या करती है, हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट, हमारे आचार विचार को भी प्रभावित करती है, एक अच्छे विचार हमें निर्माण करने के लिए मदद करती है, हमारी ग्रोथ है। आपको मालूम है कुछ ये बौने रहते छोटे कद के लोग रहते हैं, कुछ ऊंचे रहते हैं ज़्यादा, ये सर्कस में वगैरह ये बौने जिसको बोलते हैं शॉर्ट कट, तो ये जो इसके पीछे का एक और कारण होता है, हेरिडिटरी तो हुई उसके पीछे, लेकिन साथ में तुम्हारे थायराइड ग्रंथियों का फंक्शन भी एक कारणीभूत रहता है। तो इस तरह से ये बहुत महत्व है, सर्वांग आसन इज वेरी वेरी इफेक्टिव आसन फॉर टू डेवलप द फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस ऑल्सो। तो इस तरह से सर्वांग आसन, लेकिन बात इसकी ऐसी है कि ये सबसे नहीं होगा, प्राउड लोगों से बड़ी मुश्किल जाएगी, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला आसन है। इसमें से अब हम जब ब्लड प्रेशर काउंट करेंगे तो और जितना किसी का अगर वह सिस्टोलिक है 130 होगा जहाँ तक नॉर्मल में रहता है, तो ये और बढ़ जाएगा 150-60 तक चला जाएगा, वो हानिकारक रहेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर की जिनको शिकायत है या लो ब्लड प्रेशर वालों को भी शिकायत है, तो उन्होंने इसको सहसा टालना, इसको करना नहीं है, सर्वांग आसन को बहुत महत्व का आसन है, फिर भी इसको टालना है। और उसके लिए बाकी दूसरी पर्यायी आसन है ना, जैसे हमने पहले कहा था कि अर्धलासन है, इसमें का एक पाद उत्थासन बोलो, द्विपाद उत्थासन आसन बोलो, तो ये आसन हम कर सकते हैं। तो अभी दूसरा आसन इसको काउंटर पोज बोलते हैं, मच्छासन, फिश पोज, मछली आसन, ये दमा वालों के लिए बड़ा फायदे का आसन होता है। और इसमें क्या देखो, पहले इसमें नेक तुम्हारे यहाँ के मसल्स जो स्ट्रेच हुए थे उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, एक्सटेंशन, अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लेक्शन, यानी एक्सटेंशन फ्लेक्शन ही प्रक्रिया होती है, एक बाजू एक समय पीछे से झुकना, एक दूसरे बसा उसके अपोजिट में झुकना या मुड़ना, तो इस तरह से ये अभी इसमें भी ये क्या क्यों हमने कहा कि दमा वालों के लिए बहुत फायदे है। अब दमा वालों के लिए कैसा फायदेमंद है, क्योंकि दमा वालों के फेफड़े कमजोर होते हैं, उसमें विशेष रूप से कब ज़्यादा रहता है दमा वालों में, इसलिए उन्होंने तेज तीखा मिर्चा मिर्च मसाले वगैरह का उपयोग कम करना चाहिए। ये हेरिडिटरी भी रहे ये भी हमने पहले ही बता दिया, तो इस दृष्टि से ये दमा वालों के लिए बड़ा। इसमें क्या हो रहा है अभी कि ये तुम्हारे ये चेस्ट मसल स्ट्रेच हो रही है, यहाँ स्ट्रेच मसल स्ट्रेच होने की वजह से अंदर जो फेफड़े है हार्ट है विशेषतः फेफड़ों का यहाँ ये स्ट्रेचिंग होता है, वो एयर सैक ओपन होने के लिए मदद मिलती है। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं कुछ प्रकार से ये भी टेक्निक यहाँ होता है, और इस वजह से हमारा हवा आना हवा का आवागमन एक्सहेलेशन इनहेलेशन थोड़ा ये अच्छे तरह से होता है, और इस वजह से फेफड़े मजबूत हो गए, फेफड़े और हार्ट जिसका मजबूत वो पूरा सब उसका स्वास्थ्य अच्छा, ये ख्याल में रखना, जिसका पेट अच्छा वो सब उसका स्वास्थ्य अच्छा, जिसका दिमाग अच्छा उसका स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के लिए कुछ परिणाम यानी इसके माप है अच्छा स्वास्थ्य रखने के दृष्टि, स्वास्थ्य यानी क्या एक अच्छे कार्य हम धरती हमारे इसमें दैनिक व्यवहार में हम कर सके, किसी प्रकार की कम से कम रुकावट या किसी प्रकार के रुकावट ना आती हुए, तो उसको स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ।
आहार, क्योंकि स्वस्थ रह इसमें भी जो मुख्य बातें होती स्वस्थता, स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए, उसमें की जो अशुद्धता हमारे शरीर में की वो निकालना चाहिए, अच्छा डाइट चाहिए, हमारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स का फंक्शन अच्छा चाहिए, हमारे नर्वस सिस्टम का बड़ी कार्य बराबर चलना चाहिए, तो ये बात ही इंडोक्रिनल सिस्टम का काम चलेगा बराबर तो ये हमारा स्वास्थ्य बनाए रखें। और इसमें काफ़ी पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए इसलिए हम फिर से उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं। अब इसमें हलासन, हाँ अब इसमें तो थोड़ा जिस लोगों को कमर का दर्द है, अभी ये बहुत बैठे हुए लोग रहते तुम्हारे टीवी के सामने बोलो, लैपटॉप लेकर बहुत से आज के तरुण वर्ग जिनको घर से काम करना पड़ता है, ऐसे लोगों को कमर दर्द, सर्वाइकल माने मन गर्दन का दर्द, ये प्रॉब्लम निर्माण हो जाते हैं। कमर के दर्द वालों के लिए बड़ा अच्छा आसन नहीं है, पहला आसन जो समच्छासन किया जाता वो इसके लिए है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए कमर के दर्द, और वो गर्दन के दर्द के लिए, और गर्दन के दर्द के लिए कुछ और भी अभ्यास बताएंगे कम करने के लिए। तो ये सेतु, सेतु यानी ब्रिज, तो ये ऐसा आसन और सभी कर सकते हैं, वयस्क लोग भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, तो ये बड़ा अच्छा आसन है इसलिए हमने बताया इसको। एक मिनट, हलासन, फ्लो पोज, ये डायबिटीज वालों के लिए एक फायदे का आसन बताया जाता है, हलासन फ्लो पोज, क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारी पैनक्रियाटिक जो ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथि है उसको, पैनक्रियाटिक ग्रंथि को एक्टिवेट करने की दृष्टि से, उसमें का जो इंसुलिन निकलने की दृष्टि से, और उसके तान तनाव तो सबके लिए कॉमन है, तो इस दृष्टि से ये हलासन तुम्हारी लचीलापन बढ़ाता है, लेकिन गर्दन का दर्द जिसको होगा उसने करना नहीं चाहिए। तो ये जिस लोगों को अल्सर की शिकायत है उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि पेट पर दबाव काफ़ी आ रहा है, इसमें खून टट्टी में से खून निकलता है, ऐसे लोगों ने इस पर अल्सर क्या जिसे को तकलीफ है उन्होंने नहीं करना चाहिए। चलो तो ये हलासन बहुत फायदे का है पेट को कम करने की दृष्टि से, स्त्रियों के लिए बड़ा अच्छा है ये, कोई बहुत सारे प्रॉब्लम स्त्रियों के कम हो सकती है इससे। सर्वांगासन बड़ा अच्छा है स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के साथ साथ, और ये इस प्रकार से ये थोड़ा जब जब आसन करते हैं थोड़ा थकान आती है तो उसको रुक जाना। आसन के पतंजलि ने तीन सूत्र पर प्रकाश डाला, तीन सूत्र द्वारा। पहला सूत्र कहता है कि आसन यानी क्या, स्थिरम सुखम आसन, स्टेडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर, दैट इज कॉल्ड आसन। दूसरा सूत्र बहुत महत्व का है, वो बहुत सारे हम भूल जाते हैं उसके बारे में, वो है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति अभ्याम, यानी जो आसन लेने के बाद अंतिम स्थिति में हमारे शरीर पर जो स्नायु है उन पर का तान कम करके हम एकाग्रता के तरफ चले जाना चाहिए, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति में। और तीसरा है तब ये इस तरह से अगर अभ्यास करते हैं, यानी उसको परिणाम बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, ततो दंडमान भी घाता, हाँ यानी जो दंड है शारीरिक मानसिक व्याधि है उसको कम करने से, जैसे सुख दुख पाप पुण्य ऐसे जो अपोजिट बातें जो होती है उसमें बैलेंस मिलाने के लिए, इसलिए योग ये एक परिभाषा भी है, समत्वम योग उच्चते गीता में कही गई है। तो इस दृष्टि से तो ये फायदे का मैंने कि मैं बात कर रहा था तुम्हारे इसकी आसनों के तीन आसन सूत्र के द्वारा प्रकाश डाला है। इसका मैं एक बड़ा सिंपल एक फार्मूला बताया, हमारे लड़कों को हम बताते रहते कि भाई ये जल्दी ख्याल में लेना है तीन सूत्र, अब तीन एक है फार्मूला, यस आर ए सी आसन में, यस यानी स्टेडीनेस स्थिरता महत्व की बात होती है, कोई भी थोड़ी देर के लिए हो 10 सेकंड 15 सेकंड जैसी अपनी क्षमता है, 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा, ऐसा नहीं कि अभी समय मिल रहा है पूरे घर में बैठ गया तो पूरा दिन ही आसन करते बैठेंगे, ऐसा भी नहीं, लेकिन ओवर एग्जर्शन हो जाएगा उसके और हानि निर्माण हो जाएगी। तो इस दृष्टि से ये आधा मिनट 1 मिनट या अब जो श्वास चलते हमारे वो हमने गिनना है, 10 श्वास तक हमने ये कोशिश करना है एक आसन रुकने की। तो ये हो गया प्रयत्न शैथिल आनंद समापत्ति अभ्यास, ततो धनमान ज्ञान यानी यस, यस यानी स्टेडीनेस, आर यानी रिलैक्सेशन, रिलीज द टेंशन ऑफ द मसल और फ्रॉम द मसल ऑफ द मसल्स, मसल पर का तनाव कम करो, आर ये फॉर अवेयरनेस, जो कुछ कर रहे अपना उस पर अपना ध्यान दो, नहीं तो आसन करते बहुत सारे टीवी के सामने कर रहे हैं, हंसते बोलते बच्चे खाते आंग पर बैठते घोड़ा आसन हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में आसन नहीं होते हैं, आसन में एक पेशेंस शांतता चाहिए, मन एकाग्र, क्योंकि आसन का अभ्यास ये योग का अभ्यास हमें मन के एकाग्रता की तरफ लेके जाता है, समाधि की तरफ जाता है, समाधि क्या है मन की उच्चतम एकाग्र अवस्था है,
वहाँ तक यष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताए। तो आसन ये एक प्राणायाम की पूर्व तैयारी बोलो या समाधि की पूर्व तैयारी बोलो, ध्यान के लिए पूर्व तैयारी बोलो, शरीर को ज़्यादा स्थिर करना। लेकिन ये जैसे हम बोलते रहते कि हम जा रहे दिल्ली में तो आगरा भी देख लो, तो इस प्रकार से इसका आजकल तो क्या हो गया, योग का लक्ष्य अध्यात्म की तरफ जाना या योग इज वन ऑफ द वे टू गो टू आवर आर टू अचीव द मेन दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसकी तरह। लेकिन अभी धीरे धीरे हम योग थेरेपी के परिचय बढ़ गए। एक समय था कि योग को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था, योग सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए साधु संन्यासियों के लिए ऐसा कहा जाता। लेकिन आज जब युवा वृद्धो अति वृद्धवा व्याधि तो दुरोलो की युवा, यानी सबके लिए योग है। और अपना योग करके कोई जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये 5-6 साल से लेकर तो आखिर तक शवासन तक तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी चक्रासन, तो ये 3 आसनों का अभ्यास यस आर एस सी सी फी मंच यानी कॉन्सेंट्रेशन, तो यस स्टेडीनेस, आर रिलैक्सेशन, ए फॉर अवेयरनेस, सी फॉर ये जो ट्रैवलिंग करते, ये आर एस सी का प्रकार मालूम है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। उसके पहले हर बोगी पर S1 S2 रखता, तो वो यस लगा दिया वहाँ का यस आर एस सी। ये सूत्र हमेशा ख्याल में रखना, ये फार्मूला आसन करते समय, ताकि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको सही उद्देश्य उसके फायदे होंगे। एक्सरसाइज तौर पर आपको होगे, फिजिकल एक्सरसाइज जैसे करते हैं उसके जो फायदे वो मिलेंगे, लेकिन मानसिक स्तर पर मन एकाग्रता की दृष्टि से, तनाव को कम करने की दृष्टि से उसके फायदे नहीं मिलेंगे। प्लीज़, अब ये बहुत अच्छा आसन है बच्चों के लिए, विशेषता स्त्रियों के लिए, क्योंकि इसमें बैक बेंड है पूरा स्ट्रेचिंग। प्रौढ़ लोगों के लिए थोड़ा कठिन जाएगा, वृद्ध लोगों के लिए कठिन जाएगा, और उन्होंने करना भी नहीं। मैंने भाई बार बार कह रहा हूँ कि आसन बहुत सारे आसन इसलिए करना भी नहीं, कुछ जो अपने से झेप मराठी में मनता चला झेपलत से, जो हम वी कैन एफोर्ड वी कैन डू प्रॉपरली दैट आसन ओनली वी कैन प्रैक्टिस। चलो एक आधा घंटा एक घंटा उसके साथ एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए इसके दिन, यानी एक ही आसन ही करते बैठे ऐसे नहीं, कुछ प्राणायाम के प्रकार, कुछ ध्यान धारणा का अभ्यास, ओंकार जप, सूर्य नमस्कार, तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड एकात्मिक अभ्यास होना चाहिए। तो ये आसन के कुछ लंग्स की दृष्टि से हमारा कैसे फायदा है, हमारी कुछ भी तपलीके बीमारी या मैंने विशेष प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी उसके फायदे होते हैं। तो ये दृष्टि, अभी हम चलेंगे कुछ भुजंगासन, सर्पासन, ये स्त्रियों के लिए बड़ा अच्छा है, और इसमें भी तुम्हारे लंग्स स्ट्रेचिंग, मसल स्ट्रेचिंग होती है ये विशेष रूप से। और यहाँ तो ओटी पोर्ट जिसको मराठी में कहते हैं, एंटीरियर पोर्शन जो यानी बिलो नेवल रीजन, लेडीज़ में बहुत महत्व का पार्ट होता है गर्भाशय यूटेरस, तो उसको बड़ा फायदेमंद रहता है ये आसन। पूरा ज़्यादा नहीं आसन है, इसके भी 2-3 प्रकार होते हैं, कुछ लोग पूरा का पूरा खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं, साफ फना निकालता है तो पूरा खड़ा नहीं होता। तो इस ये बहुत महत्व का, इसमें भी लंग्स तुम्हारे स्ट्रेच हो गए, श्वास प्रश्वास की क्रिया बड़ी अच्छी तरह से, ऑक्सीजनेशन या गैसेज एक्सचेंज क्रिया बड़ी अच्छी तरह से हो रही है, और इस तरह से, और मन को थोड़ा शांतता देने का भी काम करता है। मैं बार बार मेंटल टफनेस की बात करता हूँ और लंग्स फेफड़ों की मजबूती की बात कर रहा हूँ, तो इस दृष्टि से हमारा ये अभ्यास चले। धीरे वापस चलिए, अभी कमर का दर्द होगा, जिनका साइटी का प्रॉब्लम है, एक ही पैर दर्द करता रहता है, जो विशेषता खड़े का व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, जैसे मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा था, जो हमेशा हमें 17-18 घंटे हम एक ही अवस्था में बैठे या खड़े सोए हुए या रहते, तो इससे हमारे वेंस पर ज़्यादा तनाव आता है, तो इस वजह से ये उल्टी स्थिति होने वाले आसन या इस स्थिति के कुछ आसन फायदेमंद होते हैं। तभी ये अब मकरासन, इसको जब थकान आती है, ये क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं इसको, शवासन जैसा है ये है मकरासन, ऐसे आसन जब जब थोड़ा थकान महसूस होती है। एक ख्याल में रखना महत्व का प्रिंसिपल आसन करने के पहले, तुम्हारा जब नॉर्मल ब्रीदिंग होगा, जैसे मैंने कहा था कि 16 से 18 तक एक हेल्दी जो है मनुष्य का ब्रीदिंग रेट रहता है, वो रहता है उसी सामान्य स्थिति में फिर आसनों की तरफ चले, जब दौड़ के आ गए, रोप स्किपिंग करके आ गए, चले योगा करने को, ऐसा नहीं, तो इस तरह से नहीं होगा। उसके लिए 10-15 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा, और बाद में योगी के या फिर योग अभ्यास करके फिर रनिंग के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, या घूम कर आते हो तो थोड़ा रेस्ट करो।